नमस्ते सभी को, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को कि उन्होंने आई लीग क्वालिफायर जीता है और अब वो आएंगे आई लीग में और वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये बहुत ही गर्व की बात है उनके लिए। तो राजस्थान यूनाइटेड की ये जो जर्नी है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, और उन लोगों के लिए खासकर जो कि एक क्लब बनाने का सपना रखते हैं, तो खासकर मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है उनकी जर्नी। और पिछले साल तक आपने राजस्थान यूनाइटेड का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज अचानक से आई लीग में आ गई है। इसके पहले आपने एयू राजस्थान सुना होगा, तो एयू राजस्थान से तो हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उनके जो मालिक हैं हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे भी यही लगता था कि आई लीग से अगर कोई आएगा तो भाई वो तो एयू राजस्थान आएगा, क्योंकि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अचानक से राजस्थान यूनाइटेड कैसे आ गया, तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो इसलिए आप आखिरी तक ये स्टोरी को पूरी सुनिए, तभी आपको इसके बारे में पूरी चीज़ पता चल पाएगी और इस स्टोरी से आप एक मोटिवेशन भी ले पाएंगे। तो राजस्थान यूनाइटेड जो क्लब है ये एक इंजीनियर के दिमाग से बना हुआ क्लब है, और उस इंजीनियर का नाम है कमल सरोहा। तो हम इसकी पूरी स्टोरी को जानने के लिए जाएंगे कुछ साल पहले। तो ये 2014 की बात है, जब कमल भाई जो थे वो दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो कमल भाई को शौक था फुटबॉल खेलने का, और वहाँ पर कोई फुटबॉल टीम नहीं थी कॉलेज में। तो इन्होंने क्या किया कि जो फुटबॉल जिनको पसंद होता है उनको सबको मिला के कॉलेज की टीम बना ली। तो वो कॉलेज की टीम थी, तो उसका नाम भी वैसे ही था, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। तो उसी नाम से फिर बाद में फुटबॉल क्लब भी बन गया था। तो शुरू के 4-5 साल तक सिर्फ वो कॉलेज की टीम थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब कमल भाई का फाइनल ईयर था इंजीनियरिंग का, तो उनको कोई ऑफर मिला होगा गुड़गांव की कंपनी से, तो वहाँ पे चले गए। लेकिन एक होता ना, अंदर से हॉबी कुछ और होती है और तुम कर कुछ और रहे होते हैं, तो यही चीज़ उनके साथ हुई, उनको वहाँ पर जमा नहीं। तो उन्होंने 6 महीने में ही वो नौकरी को छोड़ दिया और वो वापस चले आए जयपुर। और जयपुर में उन्होंने क्या किया, एक स्पोर्ट्स अपीरियल कंपनी बनाई, और राजस्थान के जो जयपुर बेस्ड क्लब थे उनको उन्होंने मर्चेंडाइज बना के देना, ये सब चीज़ों का बिजनेस उन्होंने चालू किया। और उनका सबसे बड़ा क्लाइंट कौन था वहाँ पे, एयू राजस्थान, जो उस टाइम पे एक अच्छा क्लब था। एयू राजस्थान ने कमल भाई को बोला कि आप एक टीम राजस्थान लीग में उतारिए, क्योंकि हमको यहाँ पर टीम की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम क्या था कि 8 टीम से खिलाना था लीग, और अगर वो 8 टीम नहीं होती तो उस स्टेट लीग से कोई भी टीम सेकंड डिवीज़न के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो ऐसी एक मजबूरी भी थी राजस्थान लीग में। तो उन्होंने ऑफ़र किया, तो कमल भाई जो थे उन्होंने थोड़ा सोचा, और उन्होंने जो भी रिलेशन के प्लेयर थे उनको कॉन्टेक्ट किया और बोला कि भाई खेलने आओ। तो पैसे वैसे दे नहीं सकते, तो जो प्लेयर्स भी थे वो फूड और एकोमोडेशन मिली उससे खुश थे, और वो आके उन्होंने लीग खेली। उससे उनको एक थोड़ा दिमाग में लगा कि मैं भी टीम बना सकता हूँ। फिर 2020 में क्या हुआ, 2020 में उन्होंने थोड़ा सा प्रॉपरली इसके बारे में सोचा, और उनके 2 दोस्त थे, एक बिजनेसमैन कोई थे होंगे और एक फुटबॉलर थे पहले के, तो इन्होंने तीनों ने मिलके वो जो जयपुर कॉलेज वाला क्लब था उसको नया नाम दिया राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। और इन्होंने एक टाइप किया इंटरनेशनल स्कूल से भीलवाड़ा में, और एक एकेडमी जो यूथ को सिखाती है ऐसा एक क्लब स्टार्ट किया। और 2021 में जब कोविड के बाद फुटबॉल सीजन हुआ वहाँ पर स्टेट लीग का, तो इनकी टीम जो थी वो सेकंड प्लेस फिनिश किया इन्होंने जिंक फुटबॉल के नीचे। लेकिन क्या हुआ कि जिंक फुटबॉल लाइसेंसिंग क्राइटेरिया में फेल हो गई AFF के, तो जो राजस्थान यूनाइटेड FC थी वो थी सेकंड प्लेस पे, तो इनको चांस मिल गया उसमें खेलने का। तो इनको पता चला 30 अगस्त को कि आप क्वालिफायर्स में खेलने वाले हैं, और 31 तारीख थी डेडलाइन प्लेयर रजिस्ट्रेशन की। तो इतने कम समय में इन्होंने जैसे तैसे करके टीम बनाई, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट बनवाए, तो ऐसे करके इन्होंने सडनली एक टीम बनाई। और इनकी टीम ने बस कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग करी और इनको आई लीग क्वालिफायर्स खेलना पड़ा। और एक और बात सबसे खतरनाक ये है कि इनकी टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो 500 रुपये वाला शूज पहन के खेल रहे थे। वह बोलेंगे कि पैसे से क्या चीज़ है, लेकिन आप सोचिए आई लीग क्वालिफायर्स खेल रही है टीम, उसमें एक प्लेयर 500 रुपये का जूता पहन के खेल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इस टूर्नामेंट को खेला, और इतने डेडिकेशन के साथ टीम ने खेला है इस क्वालिफायर्स में कि एक भी मैच नहीं हारी पूरे टूर्नामेंट में। और सबसे खतरनाक बात की आप सोचिए, एक इंजीनियर ने बनाया हुआ क्लब आई लीग क्वालिफायर जीत के आई लीग में चला गया। और मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कमल भाई को, रजत भाई को, स्वप्निल भाई को, कि उन्होंने एक अनबिलीवेबल काम करके दिखाया है। तो आप वो लोग हो जो हमको इंस्पिरेशन दे रहे हो कि हम भी हमारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ें कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमको ऐसी इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और हमारे देश के लोगों को भी ऐसी इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो आप इसी तरह काम करते रहें और राजस्थान फुटबॉल को आगे लेके जाएं, और इंडियन फुटबॉल को भी आगे लेके जाएं, यही हम आशा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो ऐसा सोचते हैं ना कि यार हम बड़ा क्या कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो आप खुद सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज में टीम बनाई थी अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए कि कॉलेज में टीम रहना चाहिए जिससे हम फुटबॉल खेल सकें, उस बंदे की टीम 6-7-8 साल बाद आई लीग में आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि अगर चीज़ों को सही प्लान से किया जाए तो कोई भी छोटी सी चीज़ भी आगे चल के बहुत बड़ी बन सकती है।
तो एक इंस्पिरेशन है हर इंसान के लिए, चाहे फुटबॉल फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, कि अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है, आइडिया है और आप छोटे स्तर से भी शुरू कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चल के ये बहुत बड़ा कुछ बन सकता है, ये आप भरोसा रखिए अपने आप पे और अपनी टीम पे। तो इस जर्नी को सुनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि आप लोग जो हताश रहते हैं लाइफ में या सोचते हैं कि हम बड़ा कुछ कैसे कर पाएंगे, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी भाई बहुत बड़ी है, आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो कल आप बहुत बड़े बन जाएंगे। शाहरुख खान पहले कुछ नहीं थे लेकिन आज शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह हैं, सचिन सर कुछ नहीं थे, धोनी सर कुछ नहीं थे, आज वो लेजेंड्स हैं, छेत्री सर एक सिटी एफसी से शुरुआत करके आज इंडिया के लेजेंड बने हैं। ऐसे कई क्लब्स भी है, रियल कश्मीर को आप देख सकते हैं, उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए कभी भी आप एक छोटे इंसान को भी इज्जत दीजिए क्योंकि कल को बहुत बड़ा बन सकता है, और एक छोटे क्लब को भी उतनी इज्जत दीजिए जितना कि आप एक आई लीग के क्लब को देते हैं, क्योंकि कल वो छोटा क्लब ISL में भी आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वही ये स्टोरी है कि आज जो है वो कल कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इसी तरह आप फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सब मिलके ही इंडियन फुटबॉल को ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।